लास्ट वीडियो में हम लोग ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी। होपफुली आप इसे काफी हद तक समझ चुके होंगे कि जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर सर्कुलर बॉडीज वो 1/2 I × ω² के बराबर है। हमने कहा था कि मुख्तलिफ बॉडीज के लिए उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, अगर हम स्फेयर की बात करें तो उसके लिए डिफरेंट है, डिस्क के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और एक अगर सर्कुलर रॉड है तो उसके लिए एक अपना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जिस तरह से हम लोग डिफरेंट चीज़ों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस वैल्यू में पुट करते चले जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल आती है। क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारी डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करता जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए स्फेयर, डिस्क और हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग स्फेयर के लिए उसका मोमेंट और वो जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड आउट करते हैं। ये वो हमारी सर्कुलर बॉडी है जिसे हम लोग स्फेयर कह रहे हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो है रोल करती है। अगर मुझे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी हो तो मुझे मालूम है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए 1/2 I × ω² के इक्वल है। और अब चूंकि हम स्फेयर की बात कर रहे हैं तो स्फेयर के लिए जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है जी 2/5 m²। ये इसकी वैल्यू होती है। हर चीज़ की जैसे सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स फाइनल कर दिए जाते हैं कि स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड इस्तेमाल किया जाएगा स्पीड के यूनिट के लिए, और वेलोसिटी के लिए भी हम लोग मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग एक्सेलरेशन का जो सिंबल है उसका यूनिट है, सब कुछ सिस्टम इंटरनेशनल में जो है वो एक दफ़ा फिक्स हो चुका है। इसी तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर स्फीयर वो 2/5 m² है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये चेंज नहीं होती। तो अगर मैं इसकी इसी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्लेस करूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ स्फीयर की, तो ये बराबर है 1/2। यहाँ पर मुझे स्फेयर के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा जो कि इस एक्सप्रेशन के मुताबिक बराबर है जी 2/5 m² × ω² एज इट इज ही। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से बन गया कि ये 1/2 इसी तरह और मल्टीप्लाई बाय 2/5 m² × ω² तो ये जो हमारा 2 है ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 1/2 m² × ω² के बराबर आ जाती है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर स्फीयर। अब अगर एक बात पे गौर किया जाए कि जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था तो हमने बोला था कि किसी भी बॉडी की जो सर्कुलर मोशन है उसकी जो वेलोसिटी है उसका लीनियर के साथ ये रिलेशन है कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है सर्कुलर बॉडी के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस का प्रोडक्ट होती है। तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पर आर का भी स्केयर है और ओमेगा का भी स्केयर है। अगर मैं इन दोनों साइड पे स्केयर ले लूँ वी स्केयर तो मुझे इस साइड पे भी स्केयर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मेरा एक्सप्रेशन है वी स्केयर वो बराबर है ओमेगा स्केयर इंटू आर स्केयर सर्कुलर मोशन के एस्पेक्ट से। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर भी तो आर स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर लिखा है, तो मुझे ये वी स्केयर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देना चाहिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसे यहाँ डिस्प्लेस कर दूँ। ये लीजिए, हम ये इसे डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, एम आर इंटू ओमेगा का होल स्केयर लिख दिया जाए पहले तो बेटर है, फिर इसको कन्वर्ट करके 1/5 × m और आर ओमेगा की जगह वी स्केयर। तो देखा जाए तो अब हमने अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उस बॉडी के लिए फाइंड आउट कर ली है जो कि बिल्कुल ट्रांसलेशनल से मिलती है। अब इसको इस तरह से करने से हमें फायदा क्या हुआ है? फायदा हमें ये हुआ है कि मैंने जो एंगुलर एक्सप्रेशन था उसको मैंने लीनियर एक्सप्रेशन में इसलिए चेंज किया ताकि मैं इस बॉडी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बता सकूं। यानी कि ये तो हमारी बॉडी का वो एक्सप्रेशन है कि उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है इस रोलिंग बॉल की, और यानी रोलिंग स्फेयर की। लेकिन देखा जाए तो ये जो रोलिंग स्फेयर है ये सर्कुलर मोशन शो करते हुए नीचे भी तो आ रहा है ना, यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी शो कर रहा है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी शो कर रहा है। तो अगर मुझे इसकी दोनों एनर्जी बतानी पड़े कि अगर कोई बॉल है यानी कि स्फेयर है वो सर्कुलर मोशन भी शो कर रहा है और मोशन शो करते करते डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहा है,
तो उसमें तो रोटेशनल भी होगी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो हमें उस बॉडी की स्फेयर यानी कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी पड़े तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है स्फेयर की या किसी भी सर्कुलर बॉडी की, वो उसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के बराबर होती है। तो हमारी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो तो किसी भी बॉडी की, चाहे वो स्फेयर हो, रेक्टेंगल है, किसी भी वो उसकी शेप है, तो वो हमेशा 1/2 mv² के इक्वल होती है। लेकिन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इसी के बराबर होगी, जिस बॉडी के लिए मालूम कर रहे हैं उस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पुट कर दी जाती है, तो वो हमें उस बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। यानी कि अगर मैं इसे बताऊँ, अब अगर हमें इस स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी के लिए उसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1/2 mv² ही रहती है, और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने स्फीयर के लिए जो फाइंड आउट की है वो हमारी 1/5 mv² के इक्वल निकली थी, क्योंकि हम लोगों ने mr² × ω² के एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन में तब्दील कर लिया था। तो अब जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो तकरीबन बराबर है जी, तो हमें अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5 mv² प्लस यहाँ पर 2 mv², तो इस तरह से हमारे पास 7 mv² / 10 ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल आया फोर्स स्फेयर के लिए। स्फेयर बॉडी के लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी, वो 7 mv² / 10 के इक्वल होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग हुप की भी फाइंड आउट करना चाहें, डिस्क की भी फाइंड आउट करना चाहें, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग हुप की फाइंड आउट करते हैं, तो हमें उसके लिए तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी हुप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अगर ये हमारी हुप है, वो कुछ इस तरह से होती है रिंग टाइप की, जिसके अंदर से होलो और वो सर्कुलर शेप की हो, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल वो बराबर है 1/2 I × ω² के, और जो आई है यानी कि रोटेशन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हुप वो है mr², सिंपल mr² के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इस एक्सप्रेशन को पुट करूं, यानी कि हम लोग इस एक्सप्रेशन में हुप की वैल्यू लगा दें उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो mr² है। mr² ऐसे ही, और ω² तो साथ ही आ रहा है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को ω² ऐसे ही लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो हमारा एक्सप्रेशन फिर से वैसे ही आ गया 1/2 mr² ω², फिर वही बात है कि कोई भी अगर सर्कुलर बॉडी है तो उस सर्कुलर बॉडी के लिए उसकी जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हम वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्कुलर बॉडी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमारी सर्कुलर बॉडी रोटेट कर रही है, और हमारी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन निकलता है वो v = r × ω होता है। तो अब यहाँ पर ओमेगा स्केयर की फॉर्म में है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसका भी स्केयर ले लेते हैं। जब इन दोनों साइड्स का हम लोग स्केयर लेते हैं तो v² बराबर आ जाता है ω² × r² के। अब मैं इस वैल्यू की जगह आसानी से v रिप्लेस कर सकती हूँ, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि 1/2 as it is, और मैं ऐसे ही r² × ω² को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 1/2 m, और r² ω² की जगह अब मुझे यहाँ पर v² लिखना चाहिए। तो ये मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर हुप, ये हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मैं हुप के लिए रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी बताना चाहूँ, यानी कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताना चाहूँ, तो वो इस तरह से बताई जा सकती है। ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि हमारी जो टोटल है काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या लीनियर। हमें मालूम है कि अभी जो हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की है फॉर हुप वो 1/2 mv² के इक्वल है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए 1/2 mv² ही होती है। अब इसमें भी पहले वाला ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों चीज़ों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास 2, और इसका भी एलसीएम 1 mv² + 1 mv², तो ये हमारे पास 2 mv²
एमवी स्क्वायर बाय टू आ जाता है, यानी कि जो हुप है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो एमवी स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। अब अगर मुझे डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी चाहिए तो वो भी हम आसानी से इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि डिस्क के लिए, लेट्स से कि ये हमारी डिस्क है, डिस्क की कुछ इस तरह की शक्ल ही होती है कि उस साइड से थोड़ी सी होल होती है और बाकी सारी वो फिलिंग हुई होती है, जिस तरह से ये है इस तरह से ही हमारी डिस्क की जो है वो फिगर होती है। अगर हम लोगों को डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी हो तो हम फिर से वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, 1/2 I into ओमेगा स्क्वायर। और हम ये अब वो जो हम लोगों ने पहले अपनी इमेज देखा था कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट है, इसी तरह हमारी डिस्क के लिए भी इसका एक अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसे हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो डिस्क है उसके लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/2 mr² के इक्वल होता है। अगर मैं इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं जो कि मुझे पुट करना चाहिए, तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 I की जगह हम लोगों ने वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये 1/2 into mr² और ओमेगा² के एक्सप्रेशन के बराबर है। तो अब अगर इसे कंप्लीट किया जाए तो ये 1/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 1/2 mr² into ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1/4 mr² into ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। फिर वही बात कि हम अपना लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे कि हमारी लीनियर वेलोसिटी r into ओमेगा के बराबर होती है, और दोनों जगह अगर हम लोग स्केयरिंग कर लें तो हमारा v² r² into ओमेगा के बराबर आ जाता है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू की जगह v² रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर डिस्क वो निकल आती है जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क हमारे पास आती है 1/4 m और इसकी जगह v² आ जाता है। और अगर हम लोगों को अब डिस्क के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी पड़े कि डिस्क की टोटल काइनेटिक एनर्जी बताई जाए, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल या लीनियर है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है, तो जो ट्रांसलेशनल है वो तो हर बॉडी की 1/2 mv² ही होती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो 1/4 mv² के इक्वल था। हम लोगों ने ओमेगा वाला एक्सप्रेशन इसीलिए वी वाले एक्सप्रेशन में पुट किया ताकि हम लोग काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आसानी से कंपेयर कर सकें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को उसी वक्त जमा कर सकते हैं जब वो बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटीज में हो। आप ओमेगा को लीनियर वाली वेलोसिटी में कभी भी एडअप नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने ओमेगा वाली क्वांटिटीज को जो है लीनियर क्वांटिटीज में तब्दील कर दिया था, यानी कि ओमेगा वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में। तो अगर हम इसका भी एलसीएम लें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 mv² और यहाँ पे एज इट इज 1 mv², तो ये हमारे पास 3 mv² डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास डिस्क के लिए। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के जरिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी के जरिए, रोटेशनल काइनेटिक एक्सप्रेशन से या ट्रांसलेशन काइनेटिक के एक्सप्रेशन से, हम किसी भी चीज़ के लिए उसकी टोटल एनर्जी, उसकी रोटेशनल या उसकी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अर्थ के लिए बता सकते हैं, मुख्य बॉडीज के लिए बता सकते हैं। हम इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हम किसी भी चीज़ के लिए उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अर्थ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, हम रिंग की, हुप की बता सकते हैं, हम किसी भी सर्कुलर बॉडी की बता सकते हैं, हम किसी सिस्टम की बता सकते हैं, इवन कि हम लोग बसेस वगैरह के लिए भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, मुख्तलिफ किस्म की सर्कुलर बॉडी के साथ डील करने के लिए, ये बताने के लिए कि उनके जो उनके अंदर जो है उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किस तरह से निकाली जा सकती है और किस एक्सप्रेशन के बराबर होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मुख्य चीज़ों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कवर कर ली है, यानी कि उसे एक्सप्रेस कर लिया है कि वो इस तरीके से निकाली जा सकती है। और इसके साथ साथ हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उस बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी भी इस एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं।